दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल के स्टूडियो बीटा की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, जिसे हम क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं, तो दोस्तों आप अपने स्टूडियो बीटा की लैंग्वेज बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, नए यूट्यूबर्स इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्टूडियो बीटा की लैंग्वेज बड़ी ही आसानी से चेंज कर पाएंगे। अगर आपके स्टूडियो बीटा की लैंग्वेज हिंदी है तो आप बड़ी ही आसानी से उसे इंग्लिश कर सकते हैं, अगर इंग्लिश है तो आप बड़ी ही आसानी से उसे हिंदी कर सकते हैं, और जो जो भाषाएँ आपको यहाँ मिल जाती हैं उन भाषाओं में आप अपने स्टूडियो बीटा को कर सकते हैं। तो अगर आप अपने स्टूडियो बीटा की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ। मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं रियल टेक हेल्प। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर में मैंने स्टूडियो बीटा को ओपन कर रखा है, चैनल का डैशबोर्ड हमारे सामने है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज जो है वो हिंदी सिलेक्ट है। यहाँ पर जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब कुछ यहाँ पर देखिए हिंदी में आ रहा है। बस यहाँ पर जो वीडियो के टाइटल्स हैं वो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज दिख रही है, नहीं तो यहाँ पर जो भी इंटरफेस आ रहा है उसमें जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट है वो हिंदी है। अब दोस्तों, यहाँ पर नए यूट्यूबर्स कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस लैंग्वेज को चेंज कैसे किया जाए। अगर यहां पर हिंदी है तो वो इंग्लिश करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है तो नहीं कर पाते हैं, और यहां पर इंग्लिश है वो हिंदी करना चाहते हैं, या फिर हिंदी है वो इंग्लिश करना चाहते हैं, तो यह सोचकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे चेंज किया जाए। तो दोस्तों, आप इस लैंग्वेज को कुछ ही सेकेंड्स में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करना है चलिए आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, ऊपर जहां पर हमें यूआरएल टाइप करना होता है, यानी कि सर्च बॉक्स है, तो सर्च बॉक्स में हमें यहां पर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहां पर सबसे पहले हमें mYouTube.com टाइप करना है। देखिए इस प्रकार से m.youtube.com इस प्रकार से हमें यहाँ पर टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए YouTube हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है हमें, राइट साइड आप देखेंगे हमें हमारा लोगो दिख जाता है, तो लोगो पर टैप करना है। राइट साइड ऊपर कोने में आप देखेंगे लोगो दिख रहा है यहाँ पर, तो लोगो पर टैप करना है। लोगो पर टैप करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, तो यहाँ पर हमें सेटिंग पर टैप करना है। देखिए यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ है, तो सेटिंग पर हमें टैप कर देना है। सेटिंग पर टैप करने के बाद पहला ऑप्शन यहां पर देखिए खाता का है। अगर आपका इंटरफेस यहां पर हिंदी है तो खाता लिख के आएगा, और अगर आपका इंटरफेस यहां पर इंग्लिश है तो यहां पर अकाउंट्स लिख के आएगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए हमें खाता पर या अकाउंट्स पर टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए तीसरा ऑप्शन हमें भाषा का मिल जाता है, यहां से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर भाषा हिंदी सिलेक्ट है, तो यहां पर देखिए मैं भाषा पर टैप करूंगा। टैप करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए इंग्लिश इंडिया यहां पर हमें मिल जाते हैं, तो इंग्लिश इंडिया पर हम टैप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर इंटरफेस आप देख सकते हैं इंग्लिश हो चुका है। यहां पर देखिए खाता लिखा हुआ था ऊपर पहले नंबर पर, अब यहां पर अकाउंट लिख के आ गया है। तो दोस्तों देखिए यहां से हम बैक हो जाते हैं, बैक होने के बाद अब हम YouTube पर आएंगे, या फिर यहां पर देखिए हम फिर से सर्च बॉक्स पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहां पर हम YouTube स्टूडियो ओपन करेंगे, तो यहां पर देखिए मैं YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेता हूं studio.youtube.com टाइप करके। तो यहां पर देखिए हमारा जो क्रिएटर स्टूडियो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, और अब दोस्तों यहाँ पर YouTube स्टूडियो की लैंग्वेज आप देख सकते हैं दोस्तों इंग्लिश हो चुकी है। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हिंदी में आ रहा था वो सब कुछ अब इंग्लिश में हो चुका है। दोस्तों इसी प्रकार से आप हिंदी को इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।